नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 18 मई को होगा जॉब कैंप का आयोजन। बिहार में स्कूली बच्चों को मिलेगा हाफ पैंट और शर्ट। स्मार्ट बिजली मीटर का सर्वर आज से होगा एक्टिव। गर्मी में पटना से चलेगी 28 समर स्पेशल ट्रेन। बिहार के जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। लोकसभा चुनाव के बाद इस दिन आचार संहिता होगी खत्म। आईपीएल 2024 में आज एमआई बनाम एलएसजी के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना में सीडीएस के पदों पर निकली भर्ती। भारतीय सेना में ग्रेजुएशन पास वालों के लिए ऑफिसर पदों पर भर्ती आई है। दरअसल यूपीएससी ने सीडीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 459 ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी इसके अधिसूचना में देखें। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में अब सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन के साथ मिलेगा गर्म दूध। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बढ़िया खबर है। स्कूल अब बच्चों को सप्ताह में एक बार मंगलवार को मिड डे मील के साथ गर्म दूध भी पीने के लिए देगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने 44 प्रखंडों का इसके लिए चयन किया है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन निदेशक की ओर से दिशा निर्देश जारी हो चुका है। पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चों को 100 ग्राम और छठी से आठवीं तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध दिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्था के द्वारा क्रमशः 12 ग्राम और 18 ग्राम दूध पाउडर की आपूर्ति की जाएगी। स्मार्ट मीटर बिजली का सर्वर आज से होगा एक्टिव। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का सर्वर ठीक हो चुका है। आज से सर्वर एक्टिव हो जाएगा। बैलेंस माइनस हो जाने पर बिजली 20 मई से कटेगी। लोगों को 3 दिन तक रिचार्ज करने का मौका प्रदान किया जाएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के दावे किए गए हैं। पटना समेत साउथ बिहार में 10 लाख और नॉर्थ बिहार में 6 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली EDF कंपनी ने सर्वर को ठीक करने की जानकारी साझा की है। जानकारी के मुताबिक EDF को इलाका वार माइनस बैलेंस वाले उपभोक्ताओं को बिजली काटने से संबंधित आदेश दिया गया है। रिकनेक्शन में आने वाले दिक्कतों को तुरंत ही ठीक करने के लिए कहा गया है। बिहार में स्कूली बच्चों को मिलेगा हाफ पैंट और शर्ट। बिहार में स्कूली बच्चों को हाफ पैंट और शर्ट देने का फैसला शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। बताया जाता है कि विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से ये फैसला लिया गया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं को अब सरकार की ओर से पोशाक के लिए राशि नहीं दी जाएगी। इन्हें 2 जोड़ी ड्रेस के साथ ही 1 जोड़ी ड्रेस के लिए जूते और मोजे दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब टाई भी पहनने को मिलेगा। ठंड के दिनों में बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर देने का भी फैसला लिया गया है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ने समर कैंप के शेड्यूल को बदला। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र ने समर कैंप के शेड्यूल में बदलाव किया है। अब समर कैंप 20 मई से 6 जून तक चलने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 मई निर्धारित की गई है। 2 सेशन में इस कैंप का आयोजन होने जा रहा है। सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक सुबह का सेशन चलेगा, जबकि दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इवनिंग सेशन चलाने का फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन चलेगी। पहले आओ और पहले पाओ के अंतर्गत कैंप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। विज्ञान केंद्र में बच्चों को अपनी ओर से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद इस दिन आचार संहिता होगी खत्म। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है। इसके बाद 4 जून को मतों की गणना होगी। सभी पार्टियां फिलहाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी तो इसी दौरान पूरे देश में आचार संहिता को लागू कर दिया गया था। मालूम हो कि शांतिपूर्ण मतदान के मकसद से देश में आचार संहिता को लागू किया गया था। चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद आचार संहिता को हटाया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। इसके 2 दिन के बाद 6 जून को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। बिहार शिक्षकों के सैलरी मामले में पटना हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मी पेंशन और वेतन के लिए परेशान हो गए हैं।
कई लोगों को जनवरी से पेंशन से भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में पेंशन और वेतन भुगतान से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई थी। किस विश्वविद्यालय में कब से कब तक पेंशन और वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट 15 मई को शाम को 5 बजे तक भेजना था। राजभवन के इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय की ओर से रिपोर्ट को भेज दिया गया है। वहीं अब सबकी निगाहें 17 मई को पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। 18 मई को होगा जॉब कैंप का आयोजन। बिहार के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 18 मई को बेगूसराय के ITI कैंपस स्थित संयुक्त श्रम भवन के जिला नियोजनालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन होगा। यहां पर अलग अलग 300 पदों पर बहाली ली जाएगी। वेतन 11,000 से लेकर 27,000 तक रहेगा। मैट्रिक से लेकर इंटर तक के शिक्षक बेरोजगार इस जॉब में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए NCS पोर्टल https://www.ncs.gov.in पर निबंधन होना जरूरी है। काले रंग की कार से होते हैं ये नुकसान। कार खरीदने से पहले हम कई मॉडल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके इंजन, पावर, सेफ्टी फीचर्स आदि चीज़ों पर भी गौर किया जाता है। इन सभी चीज़ों के फाइनल हो जाने के बाद हम कार को खरीदते हैं। कई लोग काले रंग की कार का चुनाव करते हैं, लेकिन इसके बुरे परिणाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। मालूम हो कि काला रंग दूसरे रंग की तुलना में अधिक हीट ऑब्जर्व करता है। इस वजह से कार के अंदर का हिस्सा गर्म हो जाता है। काले रंग की कार को अधिक देर तक धूप में रखने से कार का केबिन जल्दी ही गर्म हो जाता है। इस कारण AC को केबिन ठंडा करने में अधिक समय भी लेता है। काले रंग की गाड़ी में धूल मिट्टी भी अधिक जल्दी से जम जाती है। इसके अलावा कार में मार्क्स भी अधिक पड़ते हैं। इसमें रोशनी कम रिफ्लेक्ट होती है। इस कारण एक्सीडेंट का खतरा भी अधिक होता है। रेलवे स्टेशन पर होगी लीची की बुकिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शाही लीची देश के साथ ही दुनिया भर में मशहूर है। मुजफ्फरपुर से लीची को विदेशों में भी भेजा जाता है। वहीं अब लीची का सीजन भी आ चुका है। लीची दूसरे राज्यों में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसे लेकर रेलवे की ओर से भी तैयारी कर ली गई है। लीची की बुकिंग के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक डेडिकेटेड काउंटर खोलने की तैयारी की गई है। यहाँ पर रेलवे के अलग अलग ट्रेनों में लगे हुए पार्सल वैन और SLR के लिए बुकिंग की जाएगी। इसके बाद किसानों को पार्सल कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। ये काउंटर जंक्शन के पूर्वी हिस्से में स्थित इंजीनियरिंग विभाग के आवासीय परिसर में खोला जाएगा। बिहार में बिना मान्यता के चल रहे 94 प्राइवेट स्कूल होंगे बंद। बिहार में बिना मान्यता के चल रहे 94 प्राइवेट स्कूलों को अब जल्द ही बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव KK पाठक की ओर से यह आदेश दिया गया है। वहीं इन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकन कराने को लेकर निर्देश दिया गया है। KK पाठक के आदेश के बाद DPO ने बंद होने वाले निजी स्कूलों के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करने के लिए पत्र जारी किया है। जानकारी के अनुसार 236 स्कूलों ने मान्यता ले ली है, लेकिन 94 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रस्वीकृति नहीं ली है। इन्हें बंद कराने से संबंधित आदेश जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर इन स्कूलों को बंद किया जाएगा। गर्मी में पटना से चलेगी 28 समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मी के मौसम में रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यह भी फैसला लिया गया है कि राजधानी पटना से 28 समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे ने बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। उधर पटना सुपरफास्ट 28 जून से चलेगी। इसके अलावा साबरमती पटना स्पेशल 25 जून से, अहमदाबाद पटना सुपरफास्ट 30 जून से, 27 मई से लोकमान्य तिलक दानापुर, 30 जून से दानापुर कोटा आदि ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। बिहार में लाखों बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने वसूले करोड़ों रुपए। बिहार में चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अनियमित यात्रा के कुल 487,600 मामले सामने आए हैं। बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने 31,55,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके लिए 5 मंडलों में अधिकारियों की अलग अलग टीम को नियुक्त किया गया था। इन टीमों ने विशेष टिकट जांच अभियान चलाया था। इस अभियान के कारण रेलवे के द्वारा इस उपलब्धि को हासिल किया। जानकारी के अनुसार पूरे भारत में ये बेटिकट यात्रियों से सर्वाधिक वसूली है। बिहार के इन जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग द्वारा हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बक्सर, भोजपुर, गया, शेखपुरा, जमुई और बांका भागों में 1 या 2 स्थानों पर लू की संभावना जताई गई है।
प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए अप्लाई की प्रक्रिया हुई शुरू। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए अप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सत्र 2024 के लिए नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये जानकारी दी गई है कि नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों की उम्र 1 मार्च 2024 तक कम से कम 14 साल होनी चाहिए। बक्सर में भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार के बक्सर जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के तिवाय चेक पोस्ट पर पुलिस की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक बगैर रजिस्ट्रेशन पिकअप मैजिक लदे भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पानी के बोतल के पीछे शराब छिपाकर रखा गया था। कई कार्टन से पुलिस ने शराब को बरामद किया है। वाहन के चालक की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आपको बता दें कि करीब 80 कार्टन में 960 लीटर शराब को पकड़ा गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जहानाबाद, नालंदा और पाटलिपुत्र में 2 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जहानाबाद, पाटलिपुत्र और नालंदा में 2-2 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के बाद 15 से अधिक प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहानाबाद में 17, पाटलिपुत्र में 22 और नालंदा में 29 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है और ये वैध पाए गए हैं। हालांकि नाम वापसी की तारीख 17 मई निर्धारित है। मालूम हो कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक एक बैलेट यूनिट में नोटा के अलावे 15 से अधिक प्रत्याशियों के होने पर 2 ईवीएम का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी 21 मई को फिर आएंगे बिहार। देश के प्रधानमंत्री 21 मई को फिर से बिहार आने वाले हैं। मालूम हो कि 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा। इसके बाद 21 मई को पीएम बिहार पहुंचेंगे। वो मोतिहारी और सिवान में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सिवान में 6ठे चरण में चुनाव होने जा रहा है। पीएम की आने वाली रैली को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम दल अपने पक्ष में लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। सभी दलों की ओर से चुनाव में जीत का प्रयास जारी है। इसी बीच पीएम मोदी फिर से एक बार बिहार आने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी को आरजेडी ने ही रोजगार दिया था, उन्हें विधायक और फिर मंत्री बनाया। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग सरकार में आने के बाद रोजगार देते हैं। अगर ये लोग हमें गाली नहीं देंगे तो भाजपा में इन्हें कोई नहीं पूछेगा। हमको ये लालू यादव के बारे में बोलकर इनकी राजनीति चल रही है तो ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि वो बिहार आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले आना चाहिए था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत भाजपा नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री विजय चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी के परिजनों से मुलाकात करके उनका ढांढस बंधाया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों अपने तबीयत खराब होने के कारण अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। यही कारण था कि सीएम नीतीश कुमार सुशील मोदी के अंतिम दर्शन नहीं कर सके थे। यहां तक कि वो पीएम के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो सके थे। आईपीएल 2024 में आज एमआई बनाम एलएसजी के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 के 67वें मुकाबले में आज एमआई बनाम एलएसजी के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में मैच खेला जाएगा। एमआई का ये घरेलू मैदान है। इस संस्करण में से 7 मैचों में मेजबानी मिलेगी। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे नीचे है। मुंबई ने इस सीजन में 13 मैच खेले हैं, इनमें से मात्र 4 मैच ही टीम ने जीता है। ये टीम आज अपना आखिरी मुकाबला खेलने जा रही है। इस टीम की भिड़ंत केएल राहुल की टीम लखनऊ से होने वाली है। एमआई ये मैच जीतकर एक अच्छी विदाई लेना चाहेगी। दूसरी ओर एलएसजी इस मैच को जीतकर अपने नेट रन रेट में सुधार करना चाहेगा। आपके अनुसार प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के नहीं पहुंचने का क्या कारण है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे।
आज के दिन वर्ष 1951 में देश के मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म हुआ था। आज के दिन विश्व संचार दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इग्नू के जुलाई सत्र के लिए नामांकन शुरू। इग्नू के जुलाई सत्र के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के 253 अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, नर्सिंग, कानून, कृषि आदि जैसे अलग अलग विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में 30 जून तक नामांकन लिया जा सकता है। मालूम हो कि इग्नू के पटना सेंटर पर 253 से अधिक कोर्स का संचालन किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://ignuadmission.samarth.edu.in या https://ignuiop.samarth.edu.in पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों भारत सरकार के नाम पर फ्री रिचार्ज योजना जैसी धोखाधड़ी की खबरें चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, इसलिए इस तरह के भ्रामक खबरों के चक्कर में आने से बचें। एक्स को और आकर्षक बनाने के लिए होंगे बड़े बदलाव। टेस्ला CEO एलन मस्क की ओर से ये जानकारी दी गई है कि एक्स पर लाइव कंटेंट की पहुंच को बढ़ाने के लिए और इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए जल्द ही नए फीचर को लॉन्च किया जाएगा। एक्स के सिक्योरिटी इंजीनियर नाथन मैकग्रारी ने यूजर से सवाल किया है कि एक्स अकाउंट में खराबी क्या है। इस पर उन्हें जवाब मिला था कि खोजने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मस्क की ओर से कहा गया है कि इन परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाना चाहिए। एक्स पर डिबेट या पैनल डिस्कशन आयोजित किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जल्द ही कंपनी की ओर से सुपर चैट जल्द ही लाइव कंटेंट में आने वाली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? ऑप्शन ए है वोडा आइडिया, ऑप्शन बी है सेंचुरी लिंक, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी है विजन। इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है किशनगंज, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है गया। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है बोध गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है राकेश मिश्रा, मंटू यादव, तेज कुमार, पीयूष कुमार, पवन सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, उन्नू गोलू कुमार, मंजय कुमार, भरत प्रसाद, गौरी कुमारी, दिनेश कुमार, सादुल्ला पालवी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने जीवन में कौन से देश की यात्रा करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।